है, वेलकम टू मूवी शू। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डुशुम डुशुम वाली मूवी बनाते हो या फिर आप एक फैमिली वाली मूवी बनाते हो तो ये जो दो सेगमेंट है ज़रूर चल रहे हैं। जैसे कि तू झूठी में मक्कार, इसमें रोम कॉम टाइप की मूवी थी। जैसे कि अगर फैमिली मूवी देखे तो जुग जुग दियो देख लीजिए, चाहे वो फिर वो फैमिली मूवी इस तरीके की हो कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 हो, या फिर मासी मूवी हो मासी 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 करने वाली, जवान, पठान, KGF, ये सारी चीज़ें चलती है। तो दो एक्सट्रीम चल रहे हैं, या तो फैमिली पूरी आ जाए या फिर वो लौंडे लपाटे चले जाएं और मुक्के देखें जाके। तो ऐसी एक मूवी है, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। Day 9 तक इसने 54 करोड़ कर लिए थे, 92 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ गया था, 30 करोड़ रुपीज़ फॉरेन मार्केट से भी आ गया था। तो बहुत अच्छा है कि ओवरसीज़ मार्केट से भी अगर इतना आता तो फिर एक इंसान जो यहाँ पर ठीक ठाक कबीर सिंह बना हुआ, बाहर भी उसका थोड़ा थोड़ा रुझान है, ऐसा इंडिकेशन आता है हम सब के ऊपर। तो इस आज जो कलेक्शन इसका आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट होने वाला है। इस मूवी को भी रिडिक्यूल करने की बहुत कोशिश करी गई थी, जैसे कि फाइटर को भी करा गया था। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है इसको भी अंडर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ वही वेबसाइट हैं जो कुछ लास्ट मूवीज़ आई थी कुछ स्पेसिफिक स्टार्स की, उनको ओवर ही रिपोर्ट कुछ कर रही थी। इतना करा भी नहीं है लेकिन 5-10 करोड़ 20 करोड़ का था कलेक्शन के अंदर डिफरेंसेस। एनीवेज, तो ये जो मूवी है ये यूनिवर्सली अब हिट हो चुकी है। Day 10 का कलेक्शन बहुत प्रॉमिसिंग नोट के ऊपर स्टार्ट हुआ है। ऑलमोस्ट जो इसका मॉर्निंग शो था वो ही करीबन 21% के ऊपर से खुला है, और उसके बाद 1.75 करोड़ रुपीज़ तो इसने उसी टाइम ही कर लिया। इसका मतलब फर्स्ट स्लॉट के अंदर 4 स्लॉट होते हैं आपको पता ही है, और संडे का जो लास्ट स्लॉट होता है वो थोड़ा सा सैटरडे के मुकाबले हल्का सा वीक होता है, क्योंकि फिर अगले दिन लोगों को उसमें जाना होता है, ऑफिस वगैरह में जाना होता है, कॉलेज स्कूल में जाना होता है। लेकिन Day 10 का जिस तरीके से प्रॉमिसिंग शुरू हुआ है, और हमेशा संडे सबसे बड़ा फिगर रहता है किसी भी मूवी के लिए, तो जो इसका सेकेंड संडे है वो 6.5-7 करोड़ के ट्यून के अंदर होने वाला है, जिसका मतलब है कि ये 60-61 करोड़ रुपीज़ के आसपास बिजनेस कर लेगी आज नेट इंडिया के अंदर, और 102-103 करोड़ रुपीज़ से ऊपर का बिजनेस, 105 टचिंग भी हो सकता है, जो कि इसका होगा ओवरसीज का कलेक्शन। बहुत बढ़िया नंबर। अब ये समझ में आ गया कि ये ड्रीम गर्ल 2 वगैरह का बिजनेस वगैरह ये सारी जो चीज़ें इसको तो ये हटाएगी हटाएगी, क्योंकि आगे कोई ज़्यादा मूवी आ भी नहीं रही है बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट, तो उसके पास अच्छा खासा रन है। तो क्या ये जैसे तू झूठी में मक्कार थी 155 करोड़ रुपए के आसपास उसका बिजनेस था, उसका बिजनेस ये तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे ऑनवर्ड जो इसका बिजनेस है वो 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए के आसपास गिर जाएगा, और फिर आने वाले कुछ समय तक जो है 1 करोड़ रुपए हो जाएगा, 1.5 भी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीक अगर हम 1 करोड़ की भी एवरेज लगाएं तो लगभग लगभग ये होगा फ्राइडे तक 5 करोड़ रुपए, सैटरडे संडे अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए का और बिजनेस आएगा, विच मीन्स 5 करोड़ रुपीज़ प्लस 5 करोड़ रुपीज़ मोटा मोटा, तो 10 करोड़ रुपए और ऐड होंगे, जिसका मतलब हो गया कि आपका ये 61 जो करोड़ था वो हो जाएगा 71 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और 71 करोड़ रुपीज़ के आसपास का मतलब है कि जो आपका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है उसी समय के हिसाब से 115 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। तो क्या ये 150 करोड़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या सैटरडे संडे में जो हम छोटी सी जंप मान के चल रहे हैं कि वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की मैक्सिमम जंप होगी, क्या वो उससे भी ज़्यादा बड़ी जंप होगी, क्योंकि और कोई मूवी ऐसी खास है नहीं जो लोगों का सेकेंड ऑप्शन बन पाए। लेट्स सी किस तरीके से टर्नअप होता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये 125-130 करोड़ रुपये के आसपास तो जा सकती है। क्या तू झूठी में मक्कार को भी चैलेंज कर पाएगी ये, वी डोंट हैव एन आंसर राइट नाउ, बट जिस तरीके से ये चल रही है एक रिस्पेक्टेबल नंबर तो ज़रूर ये अटेन कर ही लेगी। 130 करोड़ रुपए के आसपास 135 करोड़ रुपए तो होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ प्रॉफिटेबल वेंचर, विच ऑल्सो मीन्स कि ये जो मैडॉक फिल्म्स की काफ़ी सारी ऐसी फिल्म होती हैं जहाँ हम सोचते हैं यार पहली वाली चली नहीं तो दूसरे वाला का क्या होगा, तो दूसरे पार्ट की अब एक्साइटमेंट बन जाएगी, तो राइटर्स विल डेफिनेटली वर्क ऑन द पार्ट टू। उसको क्या बोलेंगे, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया पार्ट टू। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं मेरे जैसे, उनको तो टाइटल में ही दिक्कत हो जाएगी कि ये पूरा लिखा, उसके बाद शाहिद कपूर लिखा, कृति सानन लिखा, और मिस कपूर लिखा, जाह्नवी कपूर लिखा, उतने में तो पूरा मतलब 100 कैरेक्टर्स ही पूरे हो जाएंगे, और कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ जज्बात नहीं लिख सकते, फिर थंबनेल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कितने एक्साइटेड हैं ये नंबर सुन के, इसके आपको एक मूवी किस तरीके की लगी थी, आप जो वर्जन 2 है अगर उसकी प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लेना। सेकेंडली, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि पार्ट 2 में अब क्या हो। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।